नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई e विद्या चैनल चैनल नंबर 10 और एन सी आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर 10 इस यूट्यूब चैनल पर भी हमारे साथ हैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसे हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ चैलेंजेस ऑफ रिफॉर्म तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या रिफ़ॉर्म्स हो सकते हैं और रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं यानी कि सुधारों की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस और चुनौतियाँ सामने आ रही हैं ये हम आपको बताएंगे और अगर हम इस विषय की बात करें तो विषय ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इससे दो चार हो रहे हैं या फिर हमारे आस के कंट्रीज हम बात ग्लोबल इशू इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बिना किसी देरी के चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे आप हैं प्रोफेसर शंकर शरण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि सर प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज एन न्यू दिल्ली में आपके मन में, में कोई भी सवाल आ रहा हो कोई प्रश्न हो कोई क्वेरी हो आपको इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे विभिन्न माध्यमों के जरिए जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन हमसे जुड़ने के सारे तरीके और माध्यम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रोल के माध्यम से नजर आ रहे हैं आप हमें ई के जरिए अपनी सभी क्वेरीज एज वेल एज येशसन्स हम तक पहुँचा सकते हैं हमारा ई एड्रेस है डी टी एस डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अगर आप हमें कोई भी बात भेजें तो आज के सेशन की डिटेल्स ज़रूर ऐड करें और इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जा अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ अपने प्रश्नों के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और अपनी सभी क्वेरीज़ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करें so we want you to participate in this live interaction with all your queries in huge numbers so हम आपके participation का हमें इंतजार है जब तक आप participate करते हैं बच्चों तब तक हम सर के पास चलते हैं और हम सर से जानना चाहेंगे सर हम आज बात कर रहे हैं political parties की और अगर हम बात करें democratic countries की लोकतंत्र की अगर हम बात करें जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में political parties की बहुत importance होती है sir पर उसमें क्योंकि समय बद आ, बदल रहा है हम समय में आगे जाते जा रहे हैं तो समय के साथ कई चीज़ें होती हैं जो चेंज करने की ज़रूरत होती है तो आज हम रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं तो हम रिफॉर्म्स की बात करें इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर पॉलिटिकल पार्टीज़ का राजनीतिक दलों का रोल क्या है सर वैसे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और बच्चों ने पढ़ा होगा शिक्षक लोग जानते होंगे लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पूरी सभ्यता के विकास की दृष्टि से देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़े हाल की चीज़ है ये 18वीं शताब्दी के अंत में ये बनने शुरू हुए जब से जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं जब से डेमोक्रेसी का प्रसार होने लगा तब से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बननी शुरू हुई और आज भी दुनिया में जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी या इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी को माना जाता है जो इसको बने हुए अभी 200 साल भी नहीं हुए तो ये इस अर्थ में इस अर्थ में ये बड़ी हाल की चीज़ है लेकिन इसकी भूमिका इसलिए बढ़ती गई है क्योंकि ये लोकतंत्र जनतंत्र या प्रजातंत्र जिसको कहते हैं चूँकि प्रजा का शासन है लोक का शासन है तो लोक का शासन सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े देशों में या इवन छोटे देशों में वो स्वयं आकर कुछ नहीं कर सकते तो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों को चुनने की और फिर अपने अपने राजनीतिक प्रोग्राम या योजनाएं देने की का जो मैकेनिज्म है ये पॉलिटिकल पार्टी है और इसीलिए धीरे धीरे दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का महत्व तो बढ़ता गया है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की आ, मुख्य भूमिका है उनका रोल यही है कि अपनी यो, नई योजनाएं देना देश के और समाज के हित के लिए उसके विकास के लिए उसकी सुरक्षा के लिए अपनी अपने कार्यक्रम देना उन कार्यक्रम के आधार पर लोगों से समर्थन मांगना और फिर अगर उनको पर्याप्त समर्थन मिले तो सरकार बनाना नए कानून बनाना और अगर कोई पार्टी विपक्ष में आती है वो चुनाव नहीं जीतती या उसको सत्ता नहीं मिलती है तब भी उसकी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है कि वो विपक्ष में रहते हुए सरकार पर अंकुश रख सकते हैं उसकी आलोचना करते हैं अपने सुझाव देते हैं संशोधन बनवाते हैं और इस तरह से लोगों की हित की लोगों की बातों को केंद्र में लाते हैं और इस तरह से उनकी एक ऐसी भूमिका है जिसके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता तो इसीलिए इसको कितनी भी इसकी आलोचना होती है कितनी भी निंदा होती है लेकिन ये यूरोप अमेरिका या भारत कहीं भी एशिया में किसी भी देश में जहाँ चुनावी प्रणाली है लोकतंत्र है एक से अधिक पार्टियाँ जहाँ काम करती हैं वहाँ लोग कितने भी पार्टियों से असंतुष्ट रहें लेकिन पार्टियों की भूमिका और आवश्यक भूमिका एक केंद्रीय भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती जी सर ये आपने बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने बताया और इसके इतिहास के बारे में भी बताया आपने कहा कि लोकतंत्र जो है इसके बिना चल नहीं सकता तो इसके अलावा और क्या ज़रूरत है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज और राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ी सर हाँ वो आप ऐसे भी देख सकते हैं जो समाज में हर व्यक्ति राजनीतिक दलों के बारे में कुछ न कुछ जानता है कोई ना कोई ओपिनियन रखता है तो क्या कारण है कैसे यह संभव है कि जो दूर गांव देहात का भी व्यक्ति वो पार्टियों का नाम जानता है कुछ पार्टियों के लीडर को भी जानता है उनके चेहरे पहचानता है इसका अर्थ है कि पूरे राष्ट्रीय या सामाजिक जनजीवन में राजनीतिक दलों का एक ऐसा स्थान है कि कोई इससे अपरिचित नहीं रह सकता थोड़ा भी जिसको राजनीति में रुचि है या सामाजिक गतिविधियों में रुचि है या देश विदेश की घटनाओं में रुचि है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से परिचित रहता है तो ये इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इस इसी से है कि एक तो ये कि वो उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है लोगों के अलग अलग समूह हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग इच्छाएं हैं उनको राजनीतिक दलों के माध्यम से एक तरह से अभिव्यक्ति मिलती है उल्टा भी होता है कि राजनीतिक दल कोई नए विचार या नई योजना लेकर लोगों के बीच जाते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं किसी मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में उनको आंदोलित करते हैं तो ये सारे क्रियाकलाप राजनीतिक दलों के माध्यम से होते हैं जी। और कहीं और अगर कभी कोई बहुत चमत्कारी जिसे कैरिज्मेटिक लीडर कहते हैं अगर कभी कोई ऐसा आता है तो फिर लोगों के एक हिस्से में उसके प्रति एक विशेष आदर की या प्रेम की भावना भी उमड़ती है और ये सारी दुनिया में है कि अगर कोई अच्छा लीडर आता है चाहे किसी भी कारण से तो फिर उसके प्रति लोगों में एक विशेष राग द्वेष पैदा होता है तो कई कारणों से इन पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन में इतनी निर्णायक होती है कि इसके बिना जैसे सरकारी योजनाएं हैं अब उ, उनको भारत का उदाहरण अगर ले तो क्योंकि ये सभी देशों में नहीं है जो भारत में है सरकार तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना लोगों को उससे फ़ायदा दिलाना और बदले में उनसे इस बात की उम्मीद रखना कि चुनाव के समय उनको याद रखेंगे तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सारे सरकारी योजनाओं को लोगों के बीच ले जाते हैं और लोग भी उससे लाभ उठाते हैं तो ऐसी कई भूमिकाएँ हैं जो राजनीतिक दल निभाते हैं और अगर दल अच्छा हो अनुशासित हो उसके कार्यकर्ता अच्छे हों तो फिर समाज को और देश को उससे लाभ भी होता है तो इसलिए इनकी ज़रूरत जिसको कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है और देखी जा सकती है तो ये तो बात हुई कि कई चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से हमारे सभी के सामने है कि क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी और लोकतांत्रिक देशों में इसकी भूमिका क्या है क्या महत्व है ये आपको पता चला सर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि, कि अगर पार्टनरशिप से सहभागिता की बात करें तो क्यों इसका नेगेटिव सेंस है सर ये ये है पार्टीजान से पूरी दुनिया में एक नकारात्मक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है आप डिक्शनरी भी देखें तो उसमें होगा पार्टीजान पार्टी से मिलता है पार्टीजान का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति या समूह या ग्रुप किसी के पार्टी के प्रति इतना अधिक वफादार है या उसके प्रति इतना समर्पित है कि एक तरह से वो आ, ब्लाइंड सपोर्टर जैसा हो जाता है और पूर्वाग्रह ग्रस्त हो जाता है बहुत स्ट्रांग उसका एक दिखाई पड़ता है लगाव उसके प्रति और हम अपने दक्षिण भारत में भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का अगर निधन हो जाता है या उनको चोट लगती है तो बहुत बड़ी संख्या में पता चलता है कि लोग बेहाल हो रहे हैं तो ये एक तरह का फेनेटिक सपोर्ट है लेकिन यह बुद्धिजीवियों में भी है पत्रकारों में भी है और आम समर्थकों में भी है पार्टी कार्यकर्ताओं में भी है तो पार्टीजान से शब्द इसीलिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल होता है कि जो व्यक्ति पार्टी, पार्टी के प्रति किसी पार्टी के प्रति या किसी कार्यक्रम के प्रति किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा अगर जुड़ा हुआ है बिल्कुल जिसे अंधभक्त कहते हैं तो उससे हानि ये होती है कि फिर वह सच्चाई को बैलेंस को दूसरे लोगों की भावनाओं को या उनकी विचारों को वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता और इसीलिए पार्टीजान शब्द पार्टीजानशिप शब्द पूरी दुनिया में नकारात्मक रूप से इस्तेमाल होता है चे. और इसका एक विपरीत शब्द भी है बाई पार्टीजानशिप बाई पार्टीजानशिप का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति या समूह या दल या नेता दलों की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर सोचे जो देश का समाज का हित दल की निष्ठा से दल के हित से ऊपर रखे, उसको बाई पार्टीजानशिप की भावना कहते हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है लोकतंत्रों में और हर जगह कि लोग पार्टी के सदस्य पार्टी के लीडर होते हुए भी देश और समाज के जो बड़े मुद्दे हैं सुरक्षा का मुद्दा है या जन कल्याण का मुद्दा है या शिक्षा का मामला है धर्म का मामला है संस्कृति का मामला है तो अगर उस पर अपनी पार्टी भावना से ऊपर उठकर सोचें पूरे समाज का पूरे देश का बल्कि मानवता का हित देखें तो इसको बाई पार्टीजानशिप कहा जाता है मतलब एक अच्छा गुण सद्गुण और इसीलिए पार्टीजानशिप को नकारात्मक लिया जाता है कि पार्टी प्रतिबद्धता या पार्टी वफादारी या पार्टी के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग से लोगों की नज़र ग्रस्त हो जाती है फिर वो किसी स्थिति समस्या घटना या व्यक्ति के बारे में जो यथातथ्य वास्तविक निर्णय होना चाहिए वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए ऐसा ना करके वो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में और दूसरी पार्टी के विरोध में अपनी पूरी ताकत साधन समय बर्बाद करते हैं तो इसीलिए बाई पार्टी ये पार्टीजानशिप शब्द नकारात्मक रूप से इस्तेमाल होता है और वो सिर्फ भारत में ही नहीं है यूरोप अमेरिका में भी जो बिल्कुल बिल्कुल पार्टीबंदी वाला व्यक्ति है उसको लोग मानते हैं कि ये ये बनी बनाई बातें करेगा और ये समाज और देश के लिए कोई बहुत दूर तक उपयोगी नहीं है जी तो ये तो बात हुई कि क्यों ये शब्द जो है थोड़ी नकारात्मकता रखता है जैसे सर ने बताया कि यूरोप में भी और बाहरी जो देश हैं विदेशों में भी इस शब्द की थोड़ी नकारात्मकता है सर यहाँ पर हम अपनी इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे और हम आपसे ये जानना चाहेंगे अगर हम डिफेक्शन की बात करें तो क्या ये कानून द्वारा चेक किया जा सकता है हाँ ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसके बारे में अगर आप थोड़ा शोध करें दुनिया पर नज़र डालें तो एक बड़ी रोचक बात दिखाई पड़ती है वो कि दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित और बड़े लोकतंत्र हैं यूरोप हो या अमेरिका हो कहीं भी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है मतलब कहीं भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट किसी पार्टी के टिकट पर आया भी हो तो पार्टी बदल सकता है और उसकी पार्लियामेंट्री सदस्यता या असेंबली सदस्यता खत्म नहीं होती दूसरे शब्दों में वहाँ जो लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं यूरोप अमेरिका के जो प्रतिष्ठित लोकतंत्र हैं उनको इस बात की छूट है कि वो अपनी पार्टी बदल सकते हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं इससे उनकी संसद या विधानसभा की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता ओके। okay. और भारतीय संविधान ने भी यही व्यवस्था दी थी ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये बहुत बाद में आया मेरे ख्याल से अगर मुझे सही याद है ना Uh, 1993 में आया और ये भी रोचक बात है कि उससे पहले ऐसा नहीं है कि भारत में कोई डिफेक्शन बहुत बड़ी पैमाने पर था और ऐसा भी नहीं है कि कानून बनने के बाद से वो बंद हो गया तो ये एक रोचक बात है कि ज, जिन देशों में uh, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है इंग्लैंड में अमेरिका में जापान में फ्रांस में जापान में वहाँ कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर या रेगुलर uh, दल बदल नहीं होते हैं तो ये जरूर सोचने की बात है कि कानून बनने से क्या भारत में इस पर असर पड़ा है ये इस पर पत्रकार या एकेडमिक लोग शोध कर रहे हैं और ऐसा दिखाई पड़ता है कि कानून बनने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है क्योंकि एक तो ये कानून पहले नहीं था तो हमारे मूल संविधान में नहीं था क्योंकि मूल संविधान ने व्यक्ति को केंद्र में रखा है पॉलिटिकल पार्टीज को केंद्र में रखा ही नहीं है तो व्यक्ति की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई दल बदल जैसी व्यवस्था बल्कि दल के बारे में उन्होंने कोई नोटिस तक नहीं लिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई उल्लेख नहीं, नहीं है मूल संविधान में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को संविधान की व्यवस्था में कोई महत्व तो नहीं दिया गया था उसमें संसद है तो है, का महत्व है न्यायपालिका तो का महत्व है विधायिका तो का महत्व है कार्यपालिका का महत्व है और और कुछ अन्य संवैधानिक संस्थाओं का महत्व है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियली एक स्वैच्छिक संगठन है वो राजकीय संगठन नहीं है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है।, तो है तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो स्वाभाविक रूप से उनकी कोई संवैधानिक या राजकीय भूमिका आवश्यक नहीं है लेकिन चूंकि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही लोग एक अपना, एक अपना अपना ग्रुप बनाते हैं उनके माध्यम से ही चुनाव में भाग लेते हैं उनके माध्यम से ही संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुने जाते हैं इसलिए उनकी एक अपने आप भूमिका बन जाती है इसीलिए ये जो एंटी डिफेक्शन है ये अपने आप में अभी तक इस पर विवाद चलता है और ये देखा जा रहा है बार बार कि अगर एक ख़ास संख्या में लोग अलग होना चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं पार्टियों का विभाजन होता है तो घुमा फिरा करके उस कानून के बनने से भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो दुनिया का चलन है उससे सीखना चाहिए और चूँकि हम हमारा संविधान भी यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और उस समय और भी जो महत्वपूर्ण देश थे उनके अनुभवों के आधार पर बना था तो इस विषय पर भी हमारे नेताओं को और नीति निर्माताओं को इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि दल बदल कानून का जो उद्देश्य था वह क्या पूरा हुआ है हुँ. और अगर नहीं पूरा हुआ है तो इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं क्योंकि तो कहीं न कहीं जो हम आगे भी इस पर देखेंगे कहीं न कहीं जो व्यक्ति है चाहे वो दल का नेता हो या संसद या विधानसभा का नेता हो या कहीं और भी बाहर भी गैर राजनीतिक बड़े संस्थाओं में हो तो व्यक्ति के बदलने से सारा परिवर्तन होता है नियम वही रहते हैं संगठन वही रहता है लेकिन अगर व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण हो व्यक्ति चरित्रवान हो व्यक्ति दूरदर्शी हो बुद्धिमान हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं और अगर उसमें कोई कमी हो तो फिर कोई सिस्टम बने रहने पर भी काम नहीं आता तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी लागू होता है ऐसा मुझे लगता है जी तो ये तो बात हुई एंटी डिफेक्शन लॉ की और सर ने अपने विचार प्रकट किए बच्चों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो अभी भी हमारे पास समय है आप अपने सभी प्रश्न प्रश्नों से हमारे विशेषज्ञ को अवगत करा सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हमारे स्क्रोल के रूप में सारे माध्यम दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप कॉल कर सकते हैं आप ई भेज सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कॉमेंट भी कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर किसी न किसी माध्यम से जुड़े और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं यहाँ पर सर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस रिफॉर्म्स के आने वाले चैलेंजेस के यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की क्या उसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है जी आ, हो तो जरूर सकते हैं क्योंकि मनुष्य की प्रतिभा और मेधा अंतहीन है जी और हमने देखा है कि पिछले सत्तर सालों में ही स्वतंत्र भारत में और अगर दुनिया का इतिहास लें तो पिछले दो सौ सालों में जो विभिन्न लोकतंत्र हैं उन्होंने कितनी उन्नति कितनी प्रगति की है कितनी ऐसी बुराइयाँ ऐसी बीमारियाँ सामाजिक जिसका जो लगता था स्थाई हैं उनको दूर किया है बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो बहुत दुर्वा लगती थी उसको दूर किया है right. और फिर ये विज्ञान और तकनीक ने बहुत सी चीजें संभव बना दी हैं जो पहले hmm. असंभव लगती थी तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी संस्था या संगठन या स्ट्रक्चर को अगर ठीक करने की नीयत से बुद्धिमान लोग और निष्ठावान लोग लगे तो दूर नहीं हो सकते ऐसा नहीं है hmm. लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी चूँकि जैसा मैंने कहा वो एक स्वैच्छिक संगठन है वो एक सामाजिक संगठन है तो जो उसके अंदर लोग हैं ये उनकी ही जिम्मेदारी बनती है और ये वही इसको ठीक कर सकते हैं या सुधार सकते हैं तो एक बार अगर वो तय करेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आ, किस तरह से ये जो पब्लिक में उनकी इमेज जो गिरी हुई रहती है और ये भारत की ही बात नहीं है हर जगह की बात है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है इस पर अगर वो ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसका रास्ता निकाल लेंगे और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो दुनिया के बड़े विद्वानों ने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर शोध किए हैं जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे लाभ उठाया जा सकता है कि जिन्होंने असंख्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्रियाकलापों का इतिहास का एक तरह से आकलन करके उनकी सारी कमियाँ जो जनरल बीमारी के रूप में जनरल गड़बड़ियों के रूप में दिखाई हैं उसको अगर सामने रख करके वो विचार विमर्श करेंगे कि इसको ठीक किया जाना चाहिए और ठीक करना है तो वो आराम से इसका रास्ता निकाल सकते हैं समस्या यही है कि उससे उसको ठीक करने में जिन लोगों के हित बाधित होंगे प्रायः वही बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियों में होते हैं पदों पर होते हैं तो वो अपने को ही रिफॉर्म करने की बात यूजली होता ऐसा होता नहीं है तो ये एक समस्या है कि विशेष uh, सर्किल जिसको कहते हैं कि जिनको ठीक hmm. करना है उनमें ही गड़बड़ी है और जिनमें गड़बड़ी है आ, उन्हीं के हाथ में ठीक करने की बात आती जी. है तो इसलिए यह नहीं हो पाता है hmm. अब ये यूरोप अमेरिका भारत सब जगह है hmm. कि पार्टियों की गड़बड़ियाँ सबको दिखाई पड़ती हैं उसका रास्ता भी कुछ कुछ दिखाई पड़ता है hmm. लेकिन वो करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण लोग महसूस नहीं करते इसके कारण ये गाड़ी वहीं की वहीं रुकी रहती है तो ये तो बात हुई कि पार्टीज़ को यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफ़ॉर्म किया जा सकता है या नहीं और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या समस्याएं इसमें सामने आ सकती हैं और जैसे सर ने कहा कि ये ग्लोबल इशू है ये पूरे सभी हम देखते हैं कि विश्व के कई देशों में ये बात दिखाई दी है यहाँ पर सर क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है जाते जाते हम आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे सर जी मैं समझता हूँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं अपनी बात के बजाय देश के एक बहुत बड़े आ, विद्वान जिनका संविधान बनाने में भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान था मैं उनकी बात से इसको समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि उसमें एक तरह से वो हमारी पूरी चर्चा का जो की जो मुख्य चिंता है वो उसमें कवर हो जाती है और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है और कुछ हद तक वो थे भी लेकिन आ, उनकी वास्तव में भूमिका उनकी सामूहिक भूमिका में ये उनकी भी एक भूमिका थी तो जब संविधान का आ, की स्वीकृति हो रही थी तो आ, नवंबर उन्नीस को संविधान सभा में उन, उनका आखिरी भाषण था उससे मैं आ, दो तीन बिंदु उनके मैं उद्धृत करके उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ जिसमें वो बात आ जाती है जो आपने कहा यह डॉक्टर अम्बेदकर के शब्द हैं मैं मूल अंग्रेजी में ही उसको पढ़ता हूँ और हिंदी में बता दूंगा हाउ एवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए बैड लॉट हाउ एवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट मे टर्न आउट टू बी गुड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए गुड लॉट मतलब संविधान कैसा भी बनाओ अगर लोग अच्छे होंगे उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा परिणाम आएगा और सम्... और संविधान अगर कैसा भी बनाओ अगर लोग जिनको उनसे लागू करना है अगर वो सही नहीं है तो कुछ अच्छा परिणाम नहीं आएगा ये वो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड ओनली द दर्गन्स ऑफ स्टेट सच एज द लेजिस्लेचर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी द फैक्टर्स ऑन विच द वर्किंग ऑफ दोज ऑर्गन ऑफ द स्टेट डिपेंड्स आर द पीपल एंड द पोलिटिकल पार्टीज they will set up as their instrument to carry out their wishes and their politics. कहते हैं कि संविधान तो सिर्फ संरचनाएं दे सकता है लेकिन उन संरचनाओं में काम करने वाला वाले जो लोग होंगे वे आम लोग होंगे जो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और जो उस पर काम करेंगे इसलिए सारी जिम्मेदारी उन पर आती है फिर एक अंतिम चेतावनी भी देते हैं डॉक्टर अम्बेडकर वो अपने भारत के पिछले इतिहास का उल्लेख करते हुए कि भारत में सब कुछ होते हुए भी किस तरह से भारत बार बार पीड़ित हुआ आक्रांताओं से दमित हुआ mm. उसका स्मरण करते हुए वह फिर से चेतावनी देते हैं और आखिरी बात वही है विल हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ इट इज दिस थाट दैट फिल्स मी विथ एंग्जाइटी दिस एंग्जाइटी इज डिपेंड बाय द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट इन एडिशन टू आवर ओल्ड एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड क्रीड्स We are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will India place, will Indian place the country above their creed, and will they place creed above their country? I do not know. Hmm. But this much is certain: that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time, and probably we lost forever. दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रिजोल्यूटली गार्ड अगेंस्ट वो कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने हित और अपने मतवाद से ऊपर देश को रखना चाहिए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता और हमारा हित फिर से खतरे में पड़ जाएगा और यही मैं वो समझता हूँ कि वो असली बात है जो हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे हुँ. कि सारी सुधार की बातें इसी बिंदु पर हैं कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ में लोग हैं उसके लीडर्स हैं उनको अपने आप को देश के नीचे पार्टी को देश के नीचे रखना चाहिए और देश समाज के हित को ऊपर रखना चाहिए तभी कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करेगा तभी लोकतंत्र भी काम करेगा और अन्यथा हम पर खतरा भी है जी तो मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जी और सर ने जो अभी आखिरी बात कही वो इस पूरी चर्चा का सार के रूप में हम ले सकते हैं और ऐसा ही होना चाहिए और अभी हमें बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं यहाँ पर शंकर सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा पाठ जो है हमारे सभी दर्शकों तक और हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाया हमें अभी एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक के बाद अपने एक लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जिसमें पाँच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और आज उसका आखिरी दिन है किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको उस सत्र में बताया जाएगा और अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति आप यूँ ही बने रहें ई विद्या चैनल और एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ साथ एन सी टी पी एम ई नमस्कार